हेलो एवरीवन इट्स मी गुरप्रीत कौर वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी क्लास नाइन्थ की फिजिक्स के दो चैप्टर्स हैं जो आपको टर्म वन में आने वाले हैं उन चैप्टर्स के नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखे हैं एंड वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ एक है आपका मोशन एंड देन नेक्स्ट वन इज योर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसके आज हम डिस्कस करेंगे थर्टी एम ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इनके एम बना रखे हैं बट ये एम उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं अगर आप इस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो उसके नुमारिकल्स देखना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो फर्स्ट एम सी क्यू फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ज़रा से इन्वाइट कर लीजिए कि फटाफट से वो इस वीडियो को ज्वाइन करें लाइव चैट के आपको ऑप्शन दे रखी हैं जहाँ पर आप अपने आंसर्स को फटाफट फड़ से मे को बता सकते हो ठीक है आंसर्स आपको मैं साथे साथ बताती जाऊँगी बट फर्स्ट आपके भी आंसर्स आने चाहिए ठीक है देखिए ध्यान से एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मोशन इफ इट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं बोलूँगी कि वो मोशन में है कब ठीक है ये फर्स्ट ऑप्शन इज डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है ऑप्शन देखिए डज नॉट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वो स्टेशनरी नहीं रहता है अपनी सराउंडिंग मतलब साथ वो अपनी पोजिशन को अपनी जगह को क्या करता रहता है बच्चे चेंज करता रहता है ऑप्शन नंबर डी आपको कहती है कि दोनों ही ऑप्शन आपकी बी और सी क्या करेक्ट है, है. फटाफट -फड़ से आपके आंसर्स आने चाहिए लाइव चैट में और जिनको इसका आंसर नहीं बताए वो फटाफट -फड़ से अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड यहाँ पर आज आ सके और ये जो आप हमारा आज क्विज हो रहा है एम का ठीक है फिजिक्स के आपके टर्म वन के फटाफट -फड़ से वो भी इसके एम सी क्यूज़ कर पाएं एजर्वन एंड रीज़न की सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपके लिए उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है ओके जी चलिए कुछ के आंसर सी आ रहे हैं कुछ के आंसर डी आ रहे हैं तो फटाफट -फड़ से चेक कर लेते हैं सो योर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है जी यानी कि दोनों ही आपके ऑप्शन सी और बी क्या है करेक्ट है ओके चलिए नेक्स्ट टाइम से करते हैं हम रेफरेंस पॉइंट अब बताइए जी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ठीक है जब मैंने चैप्टर करवाया था आपको कंप्लीट मोशन का उसमें भी मैंने ये चीज आपको बता रखी थी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कैन बी ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं ओरिजिन आपको पता है जैसे कि ये आपके एक्से एक्सिस या वाई एक्सिस होती है सेंटर में एक बनता है ना ओरिजिन ठीक है या फिर बी ऑप्शन देखिए इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको हम यूज करते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बतानी होती है कैन नॉट बी द ओरिजिन ये ओरिजिन नहीं होता है ठीक है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी ठीक है ये ओरिजिन हो भी सकता है एंड ये हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं इसको अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को डिस्क्राइब करना है तो फटाफट फड़ से आंसर्स आपके लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में आने चाहिए ठीक है वीडियो को शेयर करो फटाफट फड़ से जहां पर भी आपके ग्रुप बन रखे हैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ फटाफट फड़ से शेयर कीजिए ठीक शे। है सो तो चलिए कुछ के आंसर डी आ रहे हैं कुछ के आंसर सी आ रहे हैं तो चेक कर लेते हैं ओके जी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं और इसको हम तब भी यूज़ करते हैं अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करना है ठीक है जी या बताना है उसकी पोजीशन के बारे में पता नहीं करना है बताना है ठीक है जी करेक्ट है यहाँ पर एंड वन मोर थिंग बचे पी लेने की आपको यहाँ पर जो नीड है मेरे को लग रहा है कईयों को होता है कि पी चाहिए जो भी आपने करवा रखा है तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है अभी जस्ट आपकी पूरी कंसेंट्रेशन यहाँ पर समझने की तरफ होनी चाहिए ठीक है जी पी आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी एंड जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप चैनल पर जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पर भी जाकर ले लीजिए और कईयों का अगर नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन से अगर आपसे नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम की ऐप को इंस्टॉल करिए वहाँ पर डायरेक्टली जो हमारे चैनल का नेम है स्टडी स्टेडिटिटोरियल बाई गुरप्रीत कौर उसको सर्च करिए आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल ठीक है बच्चे नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड एम देखिए द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज कॉल्ड जो एक शॉर्टेस्ट मैंने ये बहुत ईजीली आपको एक ट्रिक बता रखी थी कि डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट में जो आपको कन्फ्यूजन होती है उसको कैसे दूर करना है कि जो शॉर्टेस्ट कौन सा है एंड पूरा जो लॉन्गेस्ट वाला है वो कौन सा है कैसे उसको माइंड में रखना है ये चैप्टर में मैंने बता रखा था जिनको प्रॉब्लम है प्लीज़ आई एम रिपीटिंग चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपका इनिशियल पॉइंट से लेकर आपके फाइनल पोजिशन का इन दोनों के बीच का जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना उसको टाइम दे रखा होता है उसमें वो कवर करता है उसको क्या बोलते हो आप उसको आप डिस्टेंस बोलते हो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो पाथ लेंथ बोलते हो या फिर आपके कोई अलग से ही टर्म है ठीक है जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में आना चाहिए फटाफट से शुरू हो जाइए ठीक है जी चलिए चेक करते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट देखिए सिंपल सा लॉजिक है आज फिर से बता देती हूँ कि जब आपको पता है कि डिस्टेंस का मतलब होता है आपका पूरा आपने पूरा पाथ कवर कर रखा है डिस्टेंस के स्पेलिंग क्या है कम है उसके साथ कौन सा वर्ड जाएगा लॉन्ग वाला बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग क्या है आपके ज़्यादा बड़े हैं और उसके साथ कौन सा जाएगा बच्चे शॉर्ट वाला ठीक है इस तरीके से इसको आप माइंड में रख सकते हो ओके नेक्स्ट एम सी क्यू देखिए ऐसा यूनिट वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको बहुत बार पूछा जाता है अब डिस्प्लेसमेंट का आपको ऐसा SI यूनिट बताना है वो मीटर है वो मीटर है ठीक है सेंटीमीटर है एंड फुट है ये मत समझ लेना कि एक ऑप्शन दो बार रिपीट हो चुकी है स्पेलिंग्स देखिए यहाँ पर ज़रा आप ठीक है ना स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हो इसलिए स्पेलिंग की मैंने वेरिएशन कर रखी है फटाफट फड़ से आंसर दीजिए इसका आप फोर्थ क्वेश्चन का काफ़ी एम सी क्यू आज हम हमें करने हैं ठीक है स्पीड तो अपनी बनाकर रखिए शेयर करते जाइए साथ ही साथ सेशन को आप चलिए चेक करते हैं सो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस मीटर सो मीटर के स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए आर ई -E -E, ठीक है नेक्स्ट देखिए आप डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकती है वो नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है जीरो हो सकती है या फिर इनमें से कुछ भी हो सकती है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है तो चार पाँच जो आज मैं एम सी क्यूज करवाऊंगी ना वो आपके बिल्कुल आराम से हो जाएंगे सोचना भी नहीं पड़ेगा सीधी टिक लगा कर आओगे ठीक है इसीलिए जो एम सी क्यूज मैंने आपको पहले भी करवा रखे प्लीज उनको भी वॉच करिएगा प्लस कंप्लीट मोशन का चैप्टर एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर करवा रखा है देख लीजिएगा उसको बिछा कर चलिए इसका आंसर देखते हैं हम अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सीन ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है अगर तीनों ही ऑप्शन हो सकती है इट मीन एनी ऑफ दिस इनमें से कोई भी हो सकती है ठीक है नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट देखिए आप डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एस डिस्प्लेसमेंट को तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं ठीक है नेगेटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात डिस्टेंस का क्या है डिस्टेंस की भी आपको सेम वही ऑप्शंस दे रखी हैं तो फटाफट से इसके आंसर्स आपके आने चाहिए ठीक है जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें आती होंगी क्योंकि वो मेरे से अगर पढ़ रखे हैं वो चैप्टर उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो चलिए डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है पॉजिटिव क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही क्या है कि जो हमने पूरा का पूरा पाथ जो है वो कवर करके रख रखा है ठीक है ना तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव सो so, मेरे को थोड़ी हैबिट है ये वर्ड बोलने की ठीक है ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ लगी है कि नहीं आई नो कुछ को थोड़ा सा लगता होगा कि क्या वन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है सो so, मैं थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करूँगी देखिए द मेन टाइप या फिर टाइप्स ऑफ मोशन इज आर अब अगर तो टाइप है तो इज लगेगा अगर तो टाइप्स हैं तो आर लगेगा तो बताओ फटाफट से वो मोशन के टाइप्स क्या हैं लीनियर है सर्कुलर एंड रोटेटरी है वाइब्रेटरी है, है या फिर ऑल ऑफ दीज आपको बताना है इन तीनों ऑप्शंस में से ठीक है या इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सी ऑप्शन जो वो करेक्ट है मोशन की मेन टाइप या फिर टाइप कौन सी है फटाफट के आपके आंसर्स आने चाहिए ठीक है फिर से मैंने बोल दिया चलिए कोई बात नहीं चेक करते हैं आंसर इसका हम सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज मोशन की ये सारी ही टाइप्स होती हैं चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम योर क्वेश्चन नंबर एट स्पीडोमीटर गिव्स जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो आपको क्या बताता है किलोमीटर रन बताता है एवरेज स्पीड बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है या फिर वेलोसिटी बताता है चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है किलोमीटर रन बताता है एवरेज स्पीड बताता है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है या फिर वेलोसिटी बताता है तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं आंसर इज यू ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है नाइन्थ ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमने पीछे भी पढ़ रखा था ऐसा SI यूनिट अब फिर से ऐसा SI यूनिट आ गया हमारे पास वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर माइल पर आवर मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड टेंथ देखिए आप अपना क्वेश्चन रिटार्डेशन इज रिटारो नोन एज रिटार्डेशन को हम और क्या कह सकते हैं एक्सलोरेशन कह सकते हैं जी एक्सेलरेशन कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं या फिर बोथ बी एंड सी ठीक है फटाफट फड़ से आंसर्स आपके आने चाहिए ओके okay, चलिए चेक कर लेते हैं योर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी अगला देखिए विलॉसिटी विलॉसिटी को आप वी के साइड नोट करते हो टाइम को आप टी के साइड नोट करते हो को आप आर के साइड नोट करते हो कौन सा आपको इसका एक रिलेशन बताना है जो अकल करता है इन चारों ऑप्शन में से ये आप फटाफट से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन जो है वो आकर करता है टाइम टाइमिटी एंड रेंका चलिए मैंने इसके एमसीक्यूज भी आपको करवा रखे हैं पहले भी मैंने इसके नुमारिकल भी आपको करवा रखे हैं तो अभी आई डोंट आई डोंट थिंक सो जो मेरे से पढ़ रखे उनको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए यहां तक ये चलिए चेक करिए सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर डी v दिस इज योर करेक्ट आंसर कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ पाई आर बाई टी आपका नेक्स्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें कोई एक्सिलोरेशन नहीं होती है उसमें एक्सेलरेशन होती है एनी ऑफ ए और बी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है चलिए फटाफट फड़ से लाइव चैट में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है या फिर नहीं होती है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है इनमें से कोई भी नहीं है कुछ के आंसर आ रहे हैं सी कुछ के आंसर आ रहे हैं बी तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होती है ठीक है नेक्स्ट देखिए अब मैंने काफी टाइम बाद वैसे ठीक है बोला है तीन चार क्वेश्चन के बाद एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज कॉल्ड जो आपका ये रिलेशन है उसको क्या बोलते हो इस इक्वेशन को तो आपने पढ़ लिया इसको बोलते क्या हो आप बिलॉसटी टाइम इक्वेशन बोलते हो डिस्टेंस टाइम इक्वेशन बोलते हो पोजिशन बिलोसटी इक्वेशन बोलते हो या इनमें से कोई भी नहीं बोलते हो ठीक है फिर से बोल दिया मैंने ठीक चेक करते हैं फिर हम ओके योर ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस टाइम इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें रोल ही ज्यादा किसका है डिस्टेंस का एंड आपके टाइम का चलिए नेक्स्ट टाइम से क्यों करते हैं हम टाइम इक्वेशन क्या है पहले आपको इक्वेशन दे रखी थी एंड आपको बताना था कि उसका नेम क्या है अब आपको नेम दे रखा है आपको बताना इक्वेशन कौन सी है विलॉसटी टाइम तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस वाला तो कोई काम होगा नहीं आपको मैंने काफी बार बता रखी है कौन कौन सी आपकी तीन इक्वेश होती हैं फटाफट से लाइव चैट में बताओ जरा मेरे को कौन कौन सी तीन ही मैंने आपको बता रखी थी चाहे तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो अगर वीडियो बाद में देख रही हो आप ओके चलिए आंसर आपके आने चाहिए काफी बच्चों के आंसर बी ऑप्शन आ रहा है कुछ का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर जो बी जिन्होंने बोल रखा है वेरी गुड बच्चे जिन्होंने डी या सी बोल रखा है थोड़ी सी आपको मेहनत करने की नीड है क्योंकि यू प्लस ए होता है यू माइनस ए नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेट कैन बी मैजर्ड विथ अगर आपको वेट को मेजर करना है तो क्या यूज करते हो किसी भी टाइप का बैलेंस यूज कर सकते हो स्प्रिंग बैलेंस बीम बैलेंस या फिर नॉन ऑफ दीज वैसे इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा उसको मैं बाद में नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हाइड कर दूंगी तो इसका आंसर इज योर स्प्रिंग बैलेंस सो यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इनर्शिया कैन बी जो आपका इनर्शिया होता है वो क्या है रेस्ट है मोशन है डायरेक्शन है या फिर ऑल ऑफ दीज चलिए इसके भी आपके आते हैं इनर्शिया के अभी आपका आपका हो चुका है फोर्स का। इनर्शिया जो होता है 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 का होता होता वो क्या होता है? रेस्ट है, 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 या फिर है फटाफट -फड़ से आंसर चाहिए डी ऑप्शन काफी बच्चों का आ रहा है सो यस यू आर राइट ऑप्शन नंबर योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि जो आपकी फोर्स है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो क्या है पुश है पुल है या फिर दोनों ही हो सकते हैं दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर नान ऑफ दीज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको आना चाहिए यस 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 कुछ बच्चों के आंसर सी आ रहे हैं कुछ के आंसर बी आ रहे हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पुश और पुल काफी बार कर चुके हैं फोर्स की डेफिनेशन ही यही है नेक्स्ट देखिए आप मोमेंटम पी इज गिवन बाय जो आपका मोमेंटम होता है पी उसका फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं हम कि इनमारिकल वगैरह आ जाएंगे तो कोई बात नहीं लीव कर देंगे बट आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम इन टू वी एम इन टू टी एम इन टू एफ या फिर एम इन टू एस मतलब S, M तो देखो होगा ही सारा खेल है वी टी एफ एस का इन चारों में से बताओ कौन सा करेक्ट है यस yes. फटाफट से आंसर आपके आने चाहिए काफी बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं तो ये यू आर राइट ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए आप एक्शन एंड रिएक्शन इन अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आपका एक्शन और रिएक्शन है हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है कि नॉट कैंसिल ईच अदर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी वो अलग अलग बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं या फिर ए और बी वाला करेक्ट है यस yes. फटाफट से आंसर आपके आने चाहिए इस क्वेश्चन के काफ़ी अच्छे से मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रखा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक करते जाओ क्योंकि आज मैं आपको आंसर साथ ही साथ नहीं दे रही हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन का साथ ही साथ आंसर था वो भी बाय मिस्टेक बाकी सब सब जितने भी हमने अब तक एम सी करे सारे के सारे मैं आंसर्स आपको बाद में बता रही हूँ तो अब वहां पर चेक करिए कि आप कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है उस चीज को बच्चे करेक्ट करिए दिस इज द राइट टाइम ओके चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो दो बॉडीज के ऊपर एक्ट करती हैं अलग अलग बॉडी के ऊपर और एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती हैं नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्सो कॉल्ड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरा बताइए देखते हैं कि आज कौन फटाफट -फड़ से और जल्दी से करेक्ट आंसर देता है न्यूटन सेकेंड लॉ की जरा मेरे को डेफिनेशन लिख कर बताओ नीचे फटाफट -फड़ से लिख कर बताओ मेरे को कि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता क्या आखिर कॉमेंट सेक्शन में लिखना चाहे लाइव चैट में रहने दो कॉमेंट सेक्शन में लिखना मेरे को जरा क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन इसने उसका जस्ट नेम पूछ रखा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या बोल सकते हैं क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन एंड क्वांटिटेटिव आपका लॉ ऑफ फोर्स जल्दी से बताइए इसको बोलते क्यों आखिर सेकेंड नेम इसका क्या हो सकता है ठीक है फटाफट फड़ से बताइए मेरे को यस yes, आपके आंसर्स आने चाहिए चलिए चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन बोलते हो आप किसको न्यूटन सेकेंड लॉ को जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा उसका नेम मैं कम्युनिटी में ज़रूर मेंशन करूंगी नेक्स्ट कम्युनिटी में तो आंसर्स आपके आने चाहिए शुरू हो जाइए देने आंसर्स ओके नेक्स्ट आपका आ चुका है नुमारिकल काफ़ी बच्चों को होगा कि कोई नुमारिकल तो करा नहीं क्योंकि तो नुमरिकल मैंने ऑलरेडी आपको बहुत करवा चुके हैं उनको आप ज़रूर एक बार वॉच करके ठीक है अगर आप एनसीआर टी के भी अपनेकल करके जाते हो तो काफी हद तक आपके पेपर में सॉल्व होने के चांसेस हैं क्योंकि वही क्वेश्चन जो है वो मोल्ड होकर बस आते हैं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए देखिए इस क्वेश्चन को अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑब्वियसली बात है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो इतना मैंने बस आपको हिंट देना था इट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन टेन सेकेंड्स इट अटेन अ स्पीड ऑफ सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है ठीक है जी आपको टाइम दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको एक और चीज दे रखी है वो आपको देखना है कि क्या है वो फाइनल वेलोसिटी है या क्या है आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तीन आपको ऑप्शंस दे रखी हैं फटाफट फड़ से जस्ट एक फॉर्मूला लगना है और इसका आंसर आ जाना है जल्दी से आंसर से इसके आने चाहिए चलिए तीन चीजें आपको दे रखी हैं फटाफट फड़ से इसको स्टार्ट कर दीजिए करना फटाफट से यस यू नीड टू फाइंड ओनली एक्सलोरेशन जिनसे नहीं हो रहा है तब तक वीडियो शेयर ही कर दो क्योंकि हमारे कुछ एम सी क्यू सभी पड़े हैं जिनसे नहीं हो रहा है प्लीज शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स के साथ फटाफट फड़ से शेयर करो जहाँ पर भी आपने कोई ग्रुप वगैरह बना रखे हैं टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर ओके सो यस कुछ के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी काफी हद तक बच्चे आप सही कर रहे हो कुछ का बी आंसर भी आ रहा है तो बी वालो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो यूनिट्स में गड़बड़ी कर रहे हो एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में जरा लिख कर बताइए मेरे को एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होते हैं राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन ओके चलिए चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए एक बार इनिशियल वेलोसिटी आपको दे है जीरो दिस इज योर फाइनल विलोसिटी कुछ बच्चे इसको एक्सलेशन ही लेकर चल रहे होंगे क्योंकि एक्सेलेशन वर्ड यूज करा था दैट इज जस्ट फोर कन्फ्यूजन किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो तो फाइव बाई एटीन के साथ यह करना पड़ता है आपको मल्टीप्लाई कटिंग कर दीजिए कितना आ गया आपके पास ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आपको एक्सेलरेशन निकालनी है दिस इज योर फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी सारी के सारी वैल्यू इसको पुट कर दीजिए आपका आंसर आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर अब यही चीज़ मैंने एक एम सी क्यू की फॉर्म में आपको लिख रखी है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं वन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के साथ इसको ही वो मोल्ड करके पूछ सकते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सो so देखो वन किलोमीटर इक्वल टू थाउजेंड मीटर आवर्स को जब आप कन्वर्ट करते हो सेकेंड्स में तो आप सिक्सटी इं सिक्सटी के साथ क्या करते हो उसको मल्टीप्लाई करते हो ना उसको चेंज करने के लिए कटिंग करने के बाद आपके पास ये चीज बच जाती है फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड इसी चीज का हमने यहाँ पर यूज करा था देखिए ध्यान से फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड ओके तो आप इसको चाहे तो थाउजेंड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो के साथ कर दीजिए चाहे इसको आप शॉर्ट फॉर्म में फाइव बाई एटीन के साथ कर दीजिए आंसर आपका सेम ही आएगा नेक्स्ट देखिए आप स्लोप ऑफ फिलोसिफ्ट जो आपका विलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है डिस्टेंस एक्सलोरेशन डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड क्या बताता है वो चीज़ आपको जल्दी से ग्राफ भी मैंने समझा रखे हैं आपको यस yes. काफी बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर एक्सेलरेशन अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है ना लिटरली हर एक बच्चे को आना चाहिए हाउ मेनी टाइप ऑफ इनर्शिया स्टडी कर रखे हैं दो तीन चार पांच कितने स्टडी कर रखे हैं फटाफट फड़ से जितने आपने स्टडी कर रखे हैं उनका नेम प्लस नंबर जरूर मेंशन करिए मेरे को जरा लाइव चैट में चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट फड़ से यस के आंसर सही आ रहे हैं पांच किसने लिख दिया है ठीक है ठीक चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर थ्री हमने पढ़ रखे हैं अभी तक इनर्शिया ठीक है नीचे आपको लिखना होगा कि कौन कौन से इनर्शिया आपने पढ़ रखी उनका नेम लिखना होगा ओके यस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट

सी वाले गलत हैं क्यों गलत हैं देखिए जब मैं पूछ रही हूँ बिलोसिटी का फॉर्मूला बताओ आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जब मैं बोलूंगी बच्चे एवरेज का बताओ एवरेज जब बोलते हैं एवरेज तो एवरेज में क्या करते हो टोटल ही तो करते हो यानी सारी, सारी, सारी के सारे डिस्प्लेसमेंट का टोटल करो सारे के सारे टाइम का टोटल करो उन दोनों को डिवाइड कर दो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी ठीक है इजी था इसको माइंड में रखना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कोई ऑप्शन नहीं मैंने दे रखी है मेरे को इसका आंसर चाहिए आप लोगों से कि जो न्यूमेरिकल रेशियो होती है डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको क्या बोलते हो या क्या होती है ठीक है इसका चाहे आंसर टेलीग्राम पर बताओ चाहे मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ चाहे इसका आंसर लाइव चैट में बताओ चाहिए इसका आंसर मेरे को आपसे इंपॉर्टेंट है ये ठीक है

जो एरिया होता है आपका वी टी ग्राफ का वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब या फिर मीटर पर सेकेंड जल्दी से बच्चे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से वीडियो सिर्फ ट्वेंटी सिक्स मिनट की बनाएंगे ऐसा हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे ठीक है चलिए फटाफट से आंसर्स क्या आने चाहिए काफी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीटर है ठीक है अब आप बोलोगे कि ट्वेंटी नाइन और थर्टी वाला क्वेश्चन कहाँ पर गया तो वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में देखिए वहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा ठीक है न्यूमेरिकल के फॉर्म में होंगे नीचे मैं आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सॉल्व करके चाहे आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए चाहे आप मेरे को टेलीग्राम पर कर दीजिए लाइव चैट के ऑप्शन तो तब तक रहेगी नहीं ओके okay? तो आपको इसको सॉल्व करना होगा एंड पी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकूँ वो भी बिल्कुल फ्री में ठीक है so, सो आपको पी जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा जाइए वहाँ से जाकर पी जो है वो डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री है वो एंड uh, सारे के सारे एम सी आज हमने डिस्कस कर लिए हैं थ्री एम आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं क्यों ताकि आप भी जरा इस चैप्टर को और अच्छे से स्टडी कर पाओ अगर आपने ये एम बहुत अच्छे से कर रखे हैं और आपको काफ़ी अच्छे से आपके रिविज़न मतलब हो चुकी है अगर आप इन एम को बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करते हो तो ठीक है मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज के आपके एम में जितने आज हमने डिस्कस करे हैं ट्वेंटी एट में से अगर आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स भी स्कोर कर रहे हो इट मीन्स बहुत अच्छे से आपके मार्क्स पेपर में आ जाएंगे क्योंकि आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है प्लस एजर्शन एंड रीज़न जो है वो मैं चाहे तो आपकी पूरी एक साइंस का जो टर्म वन का आपका सिलेबस होगा उसका कंबाइन ही मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी सो so, यस yes, अगर आपको इसका पी चाहिए अगेन टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड जो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं जरूर उनको सॉल्व कर लीजिएगा बिकॉज वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे हो सकता है कि वही क्वेश्चन सेम आपको पेपर में आ जाए क्योंकि काफ़ी बच्चों को मेरे मेरे को मैसेज आए थे काफ़ी बच्चों के टेलीग्राम पर भी यहाँ पर भी कि डी जो आपने सोशल के एम्पसी को उस करवा रखे थे काफ़ी क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो रहे थे एंड जो आपने मैथ्स के एम्पसी को उस करवा रखे थे कुछ तो हमें वही ही पेपर में आ चुके थे थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इसको भी साइंस को भी बड़े अच्छे से कर लीजिए साइंस इज़ वेरी ईजी अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं तो प्रैक्टिस चाहिए आप खुद ही उसमें परफेक्ट हो जाओगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग